देखिए, इस प्रकार के सवालों में अपने को सिद्ध करना होता है एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना होता है। ये एलएचएस साइट आगे वाली है, आरएचएस। अपने को ये आंसर निकालना है, 4 cot² 45 डिग्री। कोट 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस sec² 60 डिग्री। sec 60 डिग्री का मान होता है 2, 2 का स्क्वायर, यानी sec² है 60 है, माइनस sin² 30 डिग्री। sin 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। हल करते जाओ, 4 × 1 − 2 × 4 −1 और 2 × 2 = 4। 1 × 1 = 2, 2 × 4 ऊपर वर्ग था, 4 − 4 − 1/4, ये प्लस कर माइनस का काट दो, आंसर आ गया अपना 1/4। अब देखिए, ये भी LHS साइड 1/4 आ गई और आगे RHS साइड भी 1/4 थी, तो अपन लिख सकते हैं LHS बराबर RHS इति सिद्धम। अब अपने आगे बड़ा सवाल करते हैं, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं, ठीक है। अब अपना आगे बड़ा सवाल है, सवाल नंबर 14, इसको सिद्ध करना है। अपनी LHS साइड इतनी है और ये RHS साइड इतनी है, ये RHS और ये है LHS। पहले अपने LHS साइड को अलग करते हैं। देखो, 4 sin 30 डिग्री, कोई स्क्वेयर नहीं है साइन पे। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 4 × 1/2 × sin² 60 डिग्री, तो √3/2 का स्क्वेयर, √3/2 का स्क्वेयर प्लस 3 cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 × 1/2, और फिर 10 × 10, 10 45 डिग्री कितना होता है, 1। ये हो गई अपनी LHS साइड। अब अपने हल करते हैं, 1/2 × √3 को √3 से करेंगे, 3 × 2 = 4 प्लस 3 × 1 = 3/2, ऊपर वाले 1 आ गए। अब 4 से 4 को काट दो, तो इधर आ गया 3/2 + 3/2, 3/2 और 3/2। अब इनको लघुत्तम ले लो, लघुत्तम 2, 3 + 3, 3 × 6/2, 3 × 6। तो LHS साइड हल हो गई, LHS का मान आ गया 3, ठीक है। अब अपने RHS साइड हल कर लेते हैं। देखिए, RHS साइड अपनी है 2 × sec² 45। sec² 45 डिग्री का मान होता है √2। ये हो गया, sec 45 का √2 होता है, माइनस cosec 90। cosec 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर। ये हो गया 2 और ये हो गया, √2 को √2 से करेंगे 2, सॉरी ये 3 है भाई, यहाँ कितना है 3, ये है 2, ही है क्या 2, 2, तो √2 को √2 से करेंगे 2 -1, सॉरी 2 × 2 = 4 −1 = आ गया 3। आर एच एस साइड भी कितनी आ गई, 3, तो अपन लिखेंगे 3 = 3, यानी LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से अपने इसको सिद्ध कर देंगे। धन्यवाद।